अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ। असलम अब्बास, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में गहमा गहमी है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों पर भरोसा करके जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन लालू यादव अपने प्रत्याशियों को, अपने पहलवानों को अखाड़ा में उतरने के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। और इसी बीच बांका संसदीय क्षेत्र, जो राजपूत और यादव समीकरण को लेकर हमेशा से चर्चा का विषय में रहा है, खास करके जॉर्ज फर्नांडिस को भी एक समय में बांका ने बहुत प्यार और बहुत स्नेह दिया है। लेकिन मौजूदा समय में राजद की तरफ से लालू यादव ने अपने बेहद करीब जयप्रकाश यादव को, वीडियो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सिंबल थमा दिया है, यानी कि अब 2024 चुनावी मैदान में एनडीए प्रत्याशी से उनका मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ बोलती नहीं है। जो आप सिंबल देख पा रहे हैं किस तरीके से, मौके पर राबड़ी देवी मौजूद हैं, पीछे में भोला यादव मौजूद हैं और साथ में मीसा भारती भी मौके पर मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लालू यादव एक एक करके अपने पत्ते खोल रहे हैं और लगातार सभी प्रत्याशियों को मैदान में जाकर तैयारी करने की, पहलवानी करने की जो है संदेश दे रहे हैं, और कैसे 2024 में एनडीए प्रत्याशी से मुकाबला करना है, कैसे जंग में फतह हासिल करना है, उसको लेकर दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो महागठबंधन में चीट शेरी का तो मामला अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन लालू यादव अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि बांका से इस बार कौन होगा, कई दावेदार थे, लेकिन लालू यादव ने आखिरकार जो भरोसा किया है जयप्रकाश यादव पर, जो 2014 में चुनावी मुहिम में सफलता पाई थी, जीत का सेहरा पहना था, लेकिन 2019 के मोदी विजय रथ में वो हार गए थे। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से, लालू परिवार ने उन पर विश्वास किया है और 2024 में इस सीट को जीतने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी गई है। तो आप देख पा रहे थे किस तरीके से लालू यादव सबको एक एक करके सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इस बार फिर जनता जयप्रकाश यादव पर विश्वास कर पाएगी, क्या वोट का जो समीकरण है यादव और राजपूत का, क्या उस समीकरण के साथ साथ अल्पसंख्यकों की भी संख्या बांका संसदीय क्षेत्र में अच्छी खासी मानी जाती है, क्या विश्वास जीत पाएंगे या एनडीए प्रत्याशी से बहुत दूर रह जाएंगे, तमाम तरह के सवाल हैं। फिलहाल लालू यादव ने इनको सिंबल दे दिया है, अब ये चुनावी मैदान में अपने लिए, पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आप अपनी राय क्या रखते हैं जयप्रकाश यादव के बारे में, जिस तरीके से लालू यादव ने इन्हें सिंबल दिया है, हमें कमेंट ग्रुप में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।